पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मेजर राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है, जाती नहीं। क्या बॉबी ने दोहराया सोल्जर का किरदार? क्या उन्हें मूवी में लेना होगा सही? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ सोल्जर 2 मूवी से जुड़ी कई सारी, जी हाँ दोस्तों, कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। इन दिनों धर्मेंद्र अपनी तबीयत की वजह से तो सनी देओल मूवी गदर की वजह से सुर्खियों में है, तो बॉबी देओल पीछे कैसे रह सकते हैं और आप जानना चाहेंगे उनका इन दिनों चर्चा में बने रहने का कारण, उनकी आने वाली मूवी सोल्जर 2। ये काफी खुशी की बात है बॉबी और उनके चाहने वालों के लिए, पर जब भी बॉबी को देखते हैं बैक ऑफ द माइंड बहुत सारे सवाल लंबी लाइनें लगाते हैं। पहला सवाल आता है कि क्या बॉबी इस मूवी के लिए सूटेबल है, और दूसरा कि क्या वो एक प्रॉमिसिंग एक्टर है। हाँ क्यों नहीं, बॉबी आज के खिलाड़ी नहीं है, अब उनकी इस कल्ट मूवी का सीक्वल बनने वाला है, मतलब जरूर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो ऑडियंस अभी तक भूल नहीं पाई है। सोल्जर 2 एक एडवेंचर ड्रामा मूवी होने वाली है। ऐसी फिल्मों के लिए एक एक्टर की पर्सनालिटी, उसका कैरेक्टर को लेकर एटीट्यूड और सेंस काफी मायने रखता है, क्योंकि एक्शन रोमांटिक फिल्म में करना आसान है पर सोल्जर बनना काफी मुश्किल है, रील और रियल लाइफ दोनों में भी। पर बॉबी ने इसके पहले ये करके दिखाया है। सिर्फ सोल्जर ही नहीं, उन्होंने अपनी दूसरी मूवी में भी इंडियन आर्मी सोल्जर की जिंदगी को दोहराया है। जानना चाहेंगे कौन सी? 2005 में आई टैंगो चाली में बॉबी तरुण चौहान नाम के सोल्जर बने थे। इस मूवी में वो अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ दो बड़े सुपरस्टार्स यानी संजय दत्त और सुनील शेट्टी भी मौजूद थे। पर इसके अलावा बॉबी लीड रोल की कुर्सी हासिल करके मूवी में छा गए। मूवी में उन्हें एक स्पेशल मिशन पर भेजा जाता है। उस वक्त बॉबी के चेहरे पर जो पेनफुल एक्सप्रेशंस था, वॉरियर की तरह लड़ने का एटीट्यूड था, उनकी क्रिटिक्स के साथ साथ ऑडियंस ने भी काफी तारीफ की। भले ही ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाल ना कर पाई, पर वो बॉबी को कोई अच्छा एक्सपीरियंस दे गई, इसलिए उन्हें मूवी में लेना बिल्कुल सही होगा। मतलब उन्हें एडवेंचर फिल्मों में काम करने का आइडिया आ चुका है, अब बस उन्हें डायरेक्टर अब्बास मस्तान के ढांचे में खुद को एडजस्ट करना है, क्योंकि अब्बास मस्तान का काम लार्जर देन लाइफ कहलाया जाता है। देखते हैं ये एक्टर डायरेक्टर डुओ मिलकर कैसी मूवी बनाते हैं, जिसे देखकर हर एक ऑडियंस को लगे कि मुझे भी सोल्जर बनना है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें और सेफ रहें। थैंक यू।